हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई केक की रेसिपी। इसमें मैं आपको दो तरीके की डिजाइन बताऊंगी, तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप इसमें मिस ना हो। तो जिस भी बर्तन में आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर रहे हो उसे आप पहले 10 मिनट फ्रिज में रख दें ताकि बर्तन अच्छे से ठंडा हो। यहाँ पर फिर आप ले लें 150 ml व्हिपिंग क्रीम, और ये याद रखिएगा कि व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आइस क्यूब मेथड यूज कर रही हूँ। जो मेरा वीडियो पहले देख चुके हैं उन्हें पता है कि मैं इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करती हूँ ताकि व्हिपिंग करते टाइम जो क्रीम है वो बिल्कुल गर्म ना हो और एकदम चिल्ड रहे। तो आप ये स्टेप बिल्कुल फॉरवर्ड करके मत देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ दूसरे तरीके से व्हिपिंग क्रीम को व्हिप किया है। तो पहला 1 मिनट लो स्पीड में चलाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून शुगर, क्योंकि ब्रिटेन की जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो बिल्कुल मीठी नहीं होती है। अगर आपके व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर है तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। फिर यहाँ पर मैं कोई एसेंस ना डालने की जगह मैं यहाँ पर रस मलाई का जो दूध होता है, जो इसका मेन फ्लेवर टेक्सचर है वो लाएगा, तो वो मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं इसे हाई स्पीड में व्हिप करूँगी जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक ना आ जाए। तो याद रखिएगा, ज़्यादा फ्लेवर के चक्कर में आप इसमें दूध ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो ये स्टिफ पीक बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप अगर चाहें तो आप इसे 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, इसमें अच्छे से स्टिफ पीक आ गया है। ये करने में आपको 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। तो रसमलाई का जो कलर होता है येलो कलर, तो मैंने इसमें एडिबल कलर यूज़ किया है, खाने वाला कलर, और इसे मैंने 2 ड्रॉप डाला है। रसमलाई केक का कलर बहुत ज़्यादा पीला या येलो कलर का नहीं होता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा येलो कलर इसमें मिक्स मत कीजिएगा, बट ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत येलो कलर चाहिए, मुझे बस ये हल्का येलो कलर ही पसंद है। तो ये देखिए व्हिपिंग क्रीम को आप डालना कैसा है, तो एक खाली ग्लास लीजिएगा और उसमें आप डाल दीजिएगा आइसिंग बैग, और कुछ इस तरीके से इसमें आप डालिएगा व्हिपिंग क्रीम। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो आज मैं ये आपको आइसिंग बैग से कैसे आइसिंग करते हैं, क्रम कोटिंग कैसे करते हैं ये बताती हूँ। तो जो केक बोर्ड है उसमें आप पहले क्रीम लगा लीजिएगा ताकि जो केक है वो बोर्ड में से फिसल के गिरे ना। तो केक आप यहाँ पर वेनिला फ्लेवर का लीजिएगा और उसे 3 लेयर में काट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो बीच वाला लेयर है उसे सबसे नीचे लगाया है बॉटम में, और फिर उसमें आप डाल दीजिएगा दूध। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कोई शुगर सिरप यूज़ नहीं किया है। रसमलाई केक में जो मेन फ्लेवर है वो उसके दूध से ही आता है, क्योंकि उसमें ही रसमलाई का बहुत अच्छा इलायची और केसर पिस्ता का फ्लेवर होता है। फिर मैंने जो एक रसमलाई है उसे बहुत छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। तो ये जो जितने भी रसमलाई के टुकड़े हैं आप केक में सभी तरफ अच्छे से इसे लगा दीजिएगा, और फिर ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसमें व्हिपिंग क्रीम लगाइएगा। ये कोन मेथड बहुत ही इजी होता है क्रीम लगाने के लिए। अगर आपको आइसिंग स्पैचुला ठीक से चलाना या करना नहीं आता है तो आप ऐसे ही इसको कोन से लगाकर आप दूसरा लेयर इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। स्पैचुला से करने से ये बहुत ही इवनली हर जगह अच्छे से लग जाता है। तो जहाँ पर लग रहा है कि क्रीम कम है वहाँ पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्रीम लेकर आप इसे फिर से लगा लीजिएगा। इसकी लेयरिंग जितनी अच्छे से होगी केक खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। देखिए कुछ इस तरीके से टर्न टेबल आप कंटिन्यू घुमाते रहिएगा ताकि इसमें लेयरिंग अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने जो केक का टॉप लेयर था उसे मैंने यहाँ पर बीच में लगाया है। इसका ऊपर का लेयर का मैंने कट कर लिया है ताकि जो हार्ड पीस होते हैं केक के वो निकल जाएं और जो मिल्क है वो अच्छे से इसे सोक कर लें। तो केक के ऊपर का जितना एक्स्ट्रा स्पॉन्ज है वो आप कट कर लीजिएगा चाकू की सहायता से। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने फिर से जो रसमलाई का दूध है वो इसमें डाल दिया है, और ये करने के बाद मैंने इसे थोड़ा 1 मिनट रख लिया है ताकि जो दूध है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले केक। और मैंने फिर से वही चीज़ रिपीट की है। मैंने यहाँ पर रसमलाई के टुकड़े जो छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं और इसे अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर लिया है, और आप फिर से व्हिपिंग क्रीम लें। और यहाँ कोन में मेरा ख़त्म हो गया था, तो आप ऐसा गलती ना करें, आप कोन फिर से रिफिल कर सकते हैं। तो मैंने तो आइसिंग स्पैचुला के उससे इसमें लगा लिया। तो ये केक का बॉटम हिस्सा है, मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसे मैं यहाँ केक में सबसे ऊपर लगाऊंगी। इसकी 2 वजह है। एक तो इसमें आप जो दूध है आप इसे उल्टे साइड से इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जो केक का बॉटम हिस्सा होता है वो बहुत ही प्लेन होता है, तो जो ऊपर केक का हम आइसिंग करेंगे तो हमें एक प्लेन सरफेस मिल जाएगा इसमें करने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आइसिंग स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ,
क्रम कोटिंग के लिए तो टर्न टेबल आप कंटिन्यू ऐसे घुमाइए और ये देखिए ये करना कितना ही इजी होता है। ये बिल्कुल इवन अच्छे से ये लग भी जाएगा और इसमें आपको मेहनत बहुत ही कम लगती है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप एक्स्ट्रा क्रीम निकाल लीजिएगा और मैं आप साइड से भी दिखाती हूँ कि आपको ये कैसा क्रम कोट करना है। और ये देखिए साइड से भी आप इसे अच्छे से क्रीम से कवर कर लीजिए, कोई भी इसमें केक का पोर्शन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि केक जो है वो क्रीम का और जो दूध का फ्लेवर इसी समय एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से, तो जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम है आप उसे निकाल दें। देखिए कुछ इस तरीके से, और बोर्ड को क्लीन करके आप इसे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें। और ये देखिए 1 घंटे के बाद जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 100 ml व्हिपिंग क्रीम फिर से लिया है, तो आप यहाँ पर जो क्रीम है वो फिर से व्हिप करिएगा, पुराना क्रीम बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। और मैंने उसमें फिर से जो रसमलाई का दूध है वो ऐड किया है और शुगर ऐड किया है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसका फाइनल कोट कर रहे हैं। तो देखिए आइसिंग स्पैचुला में आप लीजिए थोड़ा सा क्रीम और फिर उसे कुछ इस तरीके से टर्न टेबल घुमाते हुए आप इसे अच्छे से कवर कर लें। और ये देखिए इस साइड से भी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि इस तरीके से आप स्पैचुला में लें थोड़ा सा क्रीम और उसे इस तरीके से आप जिगजैग मोशन में आप अच्छे से क्रीम लगाते जाएं। देखिए कुछ इस तरीके से टर्न टेबल आप कंटिन्यू घुमाते जाएं, और जब ये लेयरिंग अच्छे से हो जाए तब मैंने आइसिंग स्पैचुला को अच्छा गर्म पानी में रखा कुछ 1 मिनट के लिए, और उसे टिश्यू पेपर या कपड़े से आप अच्छे से क्लीन कर लें और फिर इस तरीके से आप इसमें उसे घुमाते जाएं ताकि जो इसके शार्प एजेस हैं वो बहुत अच्छे से आए। तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी केक के लिए क्योंकि इसी से ये जो केक है प्रोफेशनल लुक देता है। और आप ये याद रखिएगा कि स्पैचुला आपको हर बार क्लीन करना है क्योंकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम आता है वो आप टिश्यू पेपर या कपड़े में पोंछ लें। और देखिए कुछ इस तरीके से आप टेबल घुमा के इसे फाइन एजेस दें, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके से स्पैचुला चलाना है। तो यहाँ मैं वीडियो को फास्ट मोड में नहीं चला रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि इसे किस तरीके से हम फाइन एजेस देते हैं। ये देखिए आपको ये कंटिन्यू तब तक करना है जब तक इसमें फाइन एजेस ना मिल जाए, और उसके बाद आप कम से कम 1/2 घंटे के लिए केक को फ्रीज में रख दें। तो केक की आइसिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके लिए चॉकलेट सिरप। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ड्रॉपिंग के लिए ले लिया है 1/4 कप व्हाइट चॉकलेट, और उसमें सेम क्वांटिटी 1/4 कप का मैंने ले लिया है क्रीम, और क्रीम मैंने माइक्रोवेव में कुछ 1 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया है। आप चाहें तो इसे गैस में भी गर्म कर सकते हैं, और फिर मैंने इसे चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। क्रीम जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि उसमें चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर इसमें कोई लम्स हैं तो आप इसे फिर से माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। तो चॉकलेट ड्रिपिंग मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है केक का। तो जब आप चॉकलेट ड्रिपिंग कर रहे हो याद रखिए जो केक है वो अच्छा ठंडा होना चाहिए क्योंकि इसे हमने पहले 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको चॉकलेट के ड्रिप्स बनाते जाएं। तो कहीं पर मैंने ज़्यादा चॉकलेट का ड्रिपिंग किया है ताकि उसका जो ड्रिप है वो नीचे तक आए, और कहीं पर कम किया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे अच्छे से लगा लें केक पे और आप इसे फ्रिज में रख दें। यहाँ पर अब हम बनाते हैं बटर क्रीम आइसिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, और इसे हम अच्छे से व्हिप करेंगे जब तक ये अच्छा सा फ्लफी ना बन जाए। याद रखिएगा कि आप इसमें हार्ड बटर यूज़ मत करिएगा, बटर ऐसा होना चाहिए कि आप उसे आसानी से नाइफ से काट सकें। और ये देखिए जो बटर है वो अच्छे से फ्लफी हो चुका है, और इस स्टेज में आप इसमें डाल दें 100 ग्राम क्रीम चीज़। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहें तो आप इसमें व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर क्रीम आइसिंग इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो लंदन की व्हिपिंग क्रीम होती है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाती है, तो बटर क्रीम आइसिंग हमेशा हेल्पफुल होती है। तो आप इसको क्रीम डालकर अच्छे से आप 1 मिनट तक मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें डाल दें 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, ये देखिए
तो कंडेंस मिल्क भी आप तब तक व्हिप करिएगा जब तक ये अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। हो सकता है कि ये थोड़ा दही जैसा इसका टेक्सचर आए, पर आप इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहें। ये करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आप इसे साइड से भी अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और देखिएगा कि इसका टेक्सचर किस तरीके से है। ये क्रीम आइसिंग करने के लिए अच्छे से रेडी है कि नहीं। जी हाँ, इसमें अच्छे से स्टेप पिक आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से येलो कलर ऐड कर रही हूँ। तो पहले आप 1 ड्रॉप ही कलर डालिएगा, क्योंकि ये कलर पर भी डिपेंड करता है। कुछ कलर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैंने सिर्फ 1 ही ड्रॉप इसमें डाला है। तो आपको जिस भी कलर में चाहिए आप उस तरीके से आप बनाइएगा। तो ये देखिए, 1 ड्रॉप कलर से ही इसमें कितना अच्छा सा येलो कलर आ चुका है। और बस मुझे यही एक कलर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर जो रोल है उसके लिए ये वाला नोजल यूज़ किया है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप इसे केक में राउंड शेप में घुमाते घुमाते करते जाइएगा। ये देखिए कितना प्यारा लगता है। और याद रखिएगा कि जो नोजल है वो आप अच्छे से क्लीन करें। जहाँ पर आपने नोजल छोड़ा है आप उसको वहीं से स्टार्ट करिएगा। तो जो नोजल है वो अच्छे से क्लीन रहना चाहिए। और ये करने के वक्त आपको हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे छोड़ा था और स्टार्ट करने के पहले मैंने फिर से नोजल क्लीन किया और वहीं से स्टार्ट किया है। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब आप आइसिंग कर रहे हो तो केक ठंडा होना चाहिए, तो आइसिंग करने के जस्ट पहले ही आप उसे फ्रिज से निकालें। तो मैं इसके साइड में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ, छोटे छोटे फ्लावर्स। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसा भी डिज़ाइन चाहिए। ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मैंने कुछ पिस्ते है उसे अच्छे से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और ये देखिए, तो जो छोटे छोटे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं वहाँ पर भी मैंने थोड़ी पिस्ता रख दिया है। अगर आपके पास गुलाब की सूखी पंखुड़ी या ताज़ा फ्रेश गुलाब भी हो तो आप उसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। मुझे अनलकी ये नहीं मिला यहाँ पर, तो मैं नहीं डाल पाई। तो इसके एजेस में मैं ये छोटे छोटे जो स्टार नोजल होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ, ताकि इसको अच्छे से फिनिशिंग मिल सके। और अब बारी आती है इसमें रसमलाई रखने की। तो आप रसमलाई से एक्स्ट्रा दूध निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको दूध के साथ इसमें डाल दिया तो ये स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। मैंने यहाँ पर मार्केट वाली रसमलाई यूज़ की है। आपके एरिया में जिस भी टाइप की या आप घर पर भी बनाते हो रसमलाई, तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें आप थोड़ा ऊपर से डाल दें उसमें पिस्ता। और मेरे पास कुछ सिल्वर स्प्रिंकल्स थे, तो मैंने उससे इसको डेकोरेट कर लिया है। अब बनाते हैं हम सेकेंड डिज़ाइन। तो यहाँ जो सेकेंड केक है उसका फाइनल लेयर मैंने वाइट ही रखा है, उसमें कलर मिक्स नहीं किया है। और सेम मैंने चॉकलेट ड्रिप डाला है जैसा पहले वाले केक में हमने किया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये वाली केक की डिज़ाइन मेरी मोस्ट फेवरेट है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो यहाँ पर मैंने रोजेड नोजल यूज़ किया है, जिससे इसमें मैं छोटे छोटे रोज़ बनाऊंगी। तो आप ये रोज़ अंदर से बाहर की साइड ही बनाइएगा। अगर आपने बारबी डॉल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने यही सेम नोजल उसमें भी यूज़ किया है। अगर आपको कोई और भी फ्लावर इसमें बनाना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बेसिकली ये डिज़ाइन बहुत पसंद है। देखिए ये नोजल कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं पहले ये बताना भूल गई थी इसलिए लास्ट में बता रही हूँ। फिर ये जो खाली स्पेस है इसे मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर से डेकोरेट करूँगी, ताकि छोटे छोटे फ्लावर के बर्ड्स लगे, कलियाँ लगे। तो मैंने इसमें साइड में भी ये फ्लावर्स बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें ये पूरे लाइन से भी आप बना सकते हैं। और फिर मैंने इसमें मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स रखे हुए थे केक के, तो मैंने उससे डेकोरेट किया है। सेम अगर आपके पास इसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, ड्राई या फ्रेश, तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता इसमें इससे डेकोरेट किया है। फिर जो इसके मैंने एजेस हैं वो मेरे पास कुछ सिल्वर स्प्रिंकल से उससे मैंने उसे डेकोरेट किया है। और ये देखिए केक ऑलमोस्ट रेडी है। और फिर मैंने इसमें रसमलाई रखी है, उसमें से एक्स्ट्रा दूध निकाल लिया है। अगर आपके पास सिल्वर या गोल्डन कलर का वर्क हो तो आप उसमें बिल्कुल लगाइएगा, उससे भी इसका बहुत ही क्लासी लुक आता है। तो मैंने यहाँ पर इसमें पिस्ता से इसे और अच्छे से डेकोरेट किया है।
तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रसमलाई केक की रेसिपी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।